जानेंगे गेल इंडिया से यार को लेकर। अच्छा, एनर्जी में एक शेयर का जिक्र करना चाहेंगे रचना जी आपसे, और वो है गेल का। शुरुआत आज कमजोर हुई, लेकिन बढ़िया रिवर्सल लोअर लेवल से इसमें दिखा है, और अब ये डे हाई पर है, करीब करीब 2.5% के आसपास की तेजी के साथ 243 रुपए का भाव है। और हम देख रहे हैं कि लगातार इसमें तेजी बनी है, पिछले 7-8 सत्र से लगातार ये शेयर चल रहा है 210 रुपए के सपोर्ट से रिबाउंड करके। गेल में आप कितनी अभी तेजी देख रही हैं, क्या नई तेजी करनी है, या फिर जिनके पास है स्टॉप लॉस ऊपर करते रहे और शेयर को होल्ड करें? जी, जहां तक नई तेजी की बात है, मैं गेल में नई तेजी तभी सजेस्ट करूंगी जब यहाँ पे पुल बैक आएगा। क्या पुल बैक आएगा? जरूर आएगा। कहाँ से आएगा? अराउंड 246 के लेवल से। अभी 243.3 पे है हम। 246 के आसपास जब पहुंचेंगे तब यहाँ पे एक हॉल्ट आएगा और उसके बाद एक माइनर पुल बैक भी आ सकता है। तो वो पुल बैक अगर आएगा एंड इफ इट टेक्स द प्राइसेस अराउंड 235 वहां तक अगर लेके जाता है तो और तब हम एंट्री करेंगे ऑन अ फ्रेश बेसिस। ज्यादा फायदे में वही लोग रहेंगे जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना ली है, क्योंकि ये पोजीशन जो है करीब करीब 5-6 दिन से चल रही है, तो उनके उनके लिए ये है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 230 पे ले लेना चाहिए और ऊपर वाली साइड पे बुकआउट के लिए 246 का लेवल ध्यान में रखना चाहिए। 246 के लेवल पर आप ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा दूर वो भी नहीं है, 243 पर ऑलरेडी ये शेयर ट्रेड कर रहा है, तो गेल में जो मोमेंटम है वो बरकरार रहने की उम्मीद है।